हम के गार्डनिंग एंड फार्मिंग देखने वाले सारवान भाई भाई मनोज की राम राम भाई। आज की इस वीडियो में अपने एक खरपतवार दिखाऊँ जो कि हरियाणा और राजस्थान में बारिश के मौसम में अपना आप उग गया है। मेरे क्षेत्रीय भाषा में इसने भाई हम बाखड़ी कहाँ हाँ गोखरू कहाँ हाँ आप इसने किस नाम तो जानो बताइए भाई। आज की इस वीडियो में इसका उपयोग बताऊँगा भाई, जो साथी इसका उपयोग करेंगे बहुत सारी बीमारियाँ बच जाएंगे भाई। बारिश के मौसम में जो आयुर्वेद पर काम करें वो कंपनी अपने खेता में तो भाई टेम्पू भर भर ले जाए हैं, इसका बीज ना इसका पत्ता ना इसकी जड़ ना सुखा की पाउडर बना की अपने तई 1800 रुपया में बेच दी हैं भाई। आप ले भी है वहाँ तो क्यों ना इसको उपयोग आप ही खुद करने लग जाओ, खुद इसने तैयार करने लग जाओ, कोई विशेष इस पर देखभाल अलग तो करने की जरूरत को नहीं भाई। किस तरह करना भाई, बारिश के मौसम में बाखड़ी उगी पाओ है उसका बीज तोड़ लो, उसका पत्ता तोड़ के सुखा लो, इसकी जड़ ना सुखा लो, तीनवा पाउडर बना लो भाई। और किन किन बीमारियाँ हम काम आओ है वात पित्त कफ इन तो जितनी बीमारी बने सारा में उपयोग कर सकें भाई। उपयोग करने खातर 2 से 4 ग्राम मैक्सिमम आप शहद और दूध के साथ में कर सको हो, अकेला उपयोग ना करियो भाई। इसकी तासीर ठंडी हो है, गुर्दे की समस्या है, बाल झड़न की समस्या है, आँखें की बीमारी है, बवासीर है, ताकत की कमी है आपके शरीर में, इस तरह की सारी चीज़ें हम काम आओगी भाई। तो इसने आप उपयोग करना शुरू करो। इस बार बारिश में भाई जड़े भी मिले बाखड़ी तोड़ के सुखा लो भाई, और धीरे धीरे अगर इसको थोड़ा थोड़ा आप इस्तेमाल करोगा बहुत सारी बीमारी ऐसी हैं। अगर विस्तार में आप जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए, पूरी विस्तार के साथ वीडियो बना दें भैया खातर जिन तक आप बच सको भाई। तो यह जानकारी आपने किसी लागी बताइए भाई।